चंगेज खान के कवानीन बलगाय के खेमे में है। हुजूर, हमारा काम इतना आसान नहीं होगा। बलगाय ने आज रात दावत में बहुत से मंगोल सरदारों को मधु किया है। वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, मंगोलों में उभर कर सामने आना चाहता है, लेकिन उसके ख्वाबों को उसके साथ ही दफन कर देंगे। अल्लाह के हुक्म से हुजूर। एहतियात से। अब से काई कबीले का सरदार और सांचाक सरदार दोनों मैं हूं। तारीख दिन गुजर चुके हैं। फराइज अपनी बरकात के साथ आए हैं। सालतोक चाहते थे कि आप कबीले का निजाम ठीक करें और लोगों को मुतहद करें, लेकिन मंगोलों के हाथ में अपनी लगाम देने का क्या मतलब? मैंने ये जिम्मेदारियां काई कबीले के लिए कबूल की हैं। भाइयों, मंगोल हम सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर हैं। इनसे मुकाबले की हमें जरा ताकत नहीं। क्या आप नहीं जानते ये बात? हाँ, मैं अकल से काम लेकर अपने कबीले को मसाइल से दूर रखना चाहता हूं। फिर आपने सोना क्यों लिया है? क्या यह आजादी की कीमत है? मैं इस कबीले की सालों से खिदमत कर रहा हूं, ऐसे होते कभी नहीं देखा। सरदार का इंतखाब सरदारों के दरमियान होता है। आपको किसने मुंतखब किया? किसने इस हैसियत पर आपको बिठाया दुंदार साहब? क्या करता मैं बताओ? अगर ये ना करता तो क्या करता मैं? काई कबीले की किस्मत बिच्छू के शिकंजे में लिखी है। आपको किसी और के आगे झुकते हुए देखने से बेहतर था मेरी कदर कर जाती। अगर अतात ना करते तो और क्या करते? बमजी साहब बताइए, क्या कबीले को मंगोलों के जुल्म सितम के आगे छोड़ देते? हमने बगावत करने वालों को भी देखा है। दमीर जी साहब, काई कबीले की अजमत को जमीन के साथ लगा दिया है। ये सब बालगाय के पालतू खच्चर बन गए थे। शाहीन साहब, मुझे एक खच्चर बनना गवारा है, बजाय उनका कुत्ता बनकर इसकी अतात करने के। बस करो, जरा अपने अल्फाज पर गौर करें अब्दुल रहमान गाजी। नहीं दोनदार साहब, नहीं। अब्दुल रहमान गाजी ने तो कुछ नहीं कहा। तारीख में हमेशा फतह और शिकस्त दोनों को लिखा जाता है, लेकिन तारीख में दुश्मन से सोना लेकर बुजदिली को नहीं लिखा जाएगा। दुंदार साहब,
आप भी अपने अल्फाज पर गौर करें बमसी साहब। सरदार से बात करने का तरीके कार लगता है भूल गए आप। धुंधर साहब, जब मेरा बेटा शहीद हुआ हम उस वक्त नहीं झुके, तो अब हम किसी के आगे क्यों झुकें? अगर हमने झुकना ही था, शहीद क्यों दिए जमीन को? नंदा साहब, काफिरों के मजेदार खाने ने आपके कमजोर ईमान की हकीकत खोल दी है। सही वक्त पर निजाम तब्दील होगा और आपका वक्त भी आएगा। ये रद्द अमल काबिल फहम है सरदारान, लेकिन हमारे रास्ते की सच्चाई में कोई भी शक नहीं, हम सही डगर पर हैं। सालतुक, इस सोने को तमाम सरदारान में तकसीम कर दो।